हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर बबिता एस अरोड़ा, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट आस्था हेल्थ केयर दिल्ली। आज हम जानेंगे कि सिजेरियन के टांकों का ध्यान कैसे रखना है। हम आस्था हेल्थ केयर पे वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट फॉर द नॉर्मल डिलीवरी एंड मोर देन 90% ऑफ आर पेशेंट्स डू हैव नॉर्मल डिलीवरी। बट येस, महीने में कोई एक दो सिजेरियन तो हमारे पास भी होता है। तो आज हम जानेंगे कि वो पेशेंट्स अपने सिजेरियन वुंड का ध्यान कैसे रखेंगे। सबसे पहली चीज़, आपको अपने टांकों के एरिया पे ज़्यादा ह्यूमिड, मॉइस्चर या गीलापन नहीं रहने देना है। जब आपका डिस्चार्ज होता है, यानी कि डिलीवरी के बाद जब आप घर जाते हैं, तो आपके डॉक्टर आपको जनरली एक ड्रेसिंग के लिए बुलाते हैं। डे 5 या डे 6 पे आप या तो हॉस्पिटल में वापस आके ड्रेसिंग करवा सकते हैं, और इफ़ यू आर लिविंग ऑन 4th और 5th फ्लोर और आप स्टेयर्स उतर के नहीं आना चाहते हैं या थोड़ा डिफिकल्टी है, तो आप घर पे भी ड्रेसिंग करवा सकते हैं। बट दिस डे 5 और डे 6 ड्रेसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर किसी के वूंड में कुछ इन्फेक्शन का चांस है या कुछ हीलिंग डिलेड होने का चांस होता है, तो हमें यहीं से पता चल जाता है एंड वी अवॉइड द डिलेड हीलिंग एंड ट्राई टू हेल्प द वूंड हील फास्टर। नेक्स्ट थिंग इज, जब आपके स्टिच रिमूवल हो गया है, उसके बाद अब आप कैसे ध्यान रखेंगे। सो हम अपने पेशेंट्स को जनरल इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि पहले आप बीटाडीन सॉल्यूशन से अपने वूंड को क्लीन करेंगे दिन में 2 से 3 बार, और उसके बाद वूंड को पैट ड्राई करके आप बीटाडीन या म्यूपिरोसिन, जो भी ऑइंटमेंट आपके डॉक्टर ने लिखी है, वो उस पर लगाएंगे। आपको किसी ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रेगुलर बीटाडीन क्लीनिंग एंड ऑइंटमेंट एप्लीकेशन करनी। आप कंफर्टेबल लूज क्लोथ्स पहनेंगे। अंडर गारमेंट वूंड के ऊपर तक जा सकता है, बट एज पे टच ना करें। अगर आपके टांकों में कुछ आपको इन्फेक्शन के साइंस नज़र आते हैं, यानी कि रेडनेस बढ़ जाती है, पेन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, कोई स्वेलिंग नज़र आती है या कोई डिस्चार्ज नज़र आता है, तो आप इमीडिएट अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे। अब क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। यू विल अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, कॉफ एंड लिफ्टिंग ऑफ हैवी वेट्स। इसी के साथ बार बार स्टेयर्स ऊपर नीचे नहीं चढ़ेंगे, बहुत लंबे टाइम तक नहीं बैठेंगे। आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ कुछ हद तक रिज्यूम कर सकते हैं, बट यू विल ऑलवेज टेक हेल्प। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, अपने डे टू डे वर्क के लिए प्लीज़ टेक हेल्प, बिकॉज आपके स्टिचेस को हील होने में इट जनरली टेक 6 वीक। हम लोग डिजॉल्वेबल स्टिचेस यूज़ करते हैं, बट तो भी इट टेक्स टाइम फॉर द स्टिचेस टू एब्जॉर्ब। सो ये 6 हफ्ते ट्राई टू टेक प्लेंटी ऑफ रेस्ट, स्पेंड टाइम विद योर बेबी, ब्रेस्ट फीडिंग पे ध्यान दें, जितना हो सके उतना हेल्प लें, सारे काम खुद से करने की कोशिश ना करें। बेड रिडन नहीं रहना है, पूरा टाइम बेड पे नहीं, बट हाँ, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी नहीं रिज्यूम करनी है। आप रेगुलर घर पे वॉक कर सकते हैं, बैठ के छुटपुट काम कर सकते हैं, बट बहुत हैवी एक्सरसाइजेस अभी कुछ नहीं स्टार्ट करनी है। इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे कि आप अपने सैनिटरी पैड्स रेगुलर बेसिस पे दिन में 3 बार 4 बार ज़रूर चेंज करेंगे, ताकि वहाँ किसी इन्फेक्शन का चांस ना हो। आप ध्यान देंगे कि आप बहुत हेल्दी डाइट लेंगे। दिस प्रॉब्लम इज सीन वेरी कॉमनली। जनरली पेशेंट्स आके बोलते हैं, मैम हम सिर्फ खिचड़ी ले रहे हैं, दाल का पानी ले रहे हैं, या सिर्फ हलवा ले रहे हैं, या बहुत ही मिनिमल डाइट ले रहे हैं। आप ध्यान रखेंगे कि आपके स्टिचेस को हीलिंग के लिए प्रोटीन रिच डाइट की ज़रूरत है। आप मीठा नहीं लेंगे, इट्स ओके। आप दूध कम ले रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आप प्रोटीन रिच डाइट, यानी कि एग, पनीर, दाल, स्प्राउट्स, ये सब अच्छे से लेंगे। अगर आपकी डाइट हेल्दी होगी तो आपके स्टिचेस जल्दी हील होंगे, एंड इसके साथ में ही बेबी की फीडिंग भी अच्छे से होगी। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि आप घर पे ही अपने सिजेरियन के टांकों का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ों का ही ध्यान रखना है। आप सुबह शाम बीटाडीन सॉल्यूशन से क्लीन करके ऑइंटमेंट ज़रूर लगाएंगे, ह्यूमिड या मॉइस्चर नहीं आने देंगे टांकों पे। जब तक आपकी ड्रेसिंग हट नहीं जाती है, तब तक आप घर पे अगर डॉक्टर ने मना किया है तो नहाएंगे नहीं। बार बार सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ना, भारी सामान उठाना, कॉन्स्टिपेशन, कफ, टैम्पोन्स यूज़ करना या सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। यू विल टेक अ हेल्दी डाइट,
ताकि आपके स्टिचेस जल्दी हील हो जाएं। प्लेंटी ऑफ रेस्ट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, प्लेंटी ऑफ फाइबर्स यू विल ऐड इन योर डाइट। रेस्ट बहुत अच्छे से लेंगे एंड यू विल ऑलवेज टेक हेल्प टू टेक केयर ऑफ योर न्यूबॉर्न एंड यू विल ऑलवेज टेक हेल्प फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। बट ये सारे प्रिकॉशंस और अच्छे से टेक केयर के बाद भी अगर आपके स्टिचेस में जो डेंजर साइंस हमने समझाए हैं उसमें से कुछ है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे। आई होप इसके बाद सिजेरियन वूंड को कैसे टेक केयर करना है हम अच्छे से समझ गए हैं। और भी मन में कुछ डाउट्स हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।